आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी त्यौहार को हम 10 दिन तक क्यों मनाते हैं और 10 दिन बाद हम गणेश जी को विसर्जित क्यों करते हैं। हम हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी की यह भी मान्यता है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना लिखने के लिए गणेश जी से मदद मांगी थी। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था। उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य समाप्त हुआ था। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत का लेखन कार्य करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनके शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन वचन कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है।